Everyone, भावना fortune, 369 से आप क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर आज हम जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आज जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ आप चाहते हैं ना मैं आपके लिए ऐसी फटाफट से इस वीडियो को तो लाइक कर देना ठीक है और हाँ अगर आप चाहें तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड काइज uh, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए कॉन्टैक्ट मत करें एंड लेकिन हाँ अगर आप टारो कोर्स करना चाहते हैं खुद भी एक टारो रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है या फिर अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ओके चलो तो फटाफट से देखते हैं कि आपके पर्सन के आज शाम किस एनर्जी में हैं क्या कुछ सोच रहे हैं प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कि जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं वो पर्सन किस एनर्जी में है गाइड्स अपने पर्सन के बारे में सोचते रहे ठीक है सो दैट ये रीडिंग आपके साथ एक अच्छे लेवल से रेजोनेट कर सके सबसे पहले ही आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स टेन ऑफ कप्स सिक्स ऑफ कप्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है ओके सो द नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है चलिए और भी देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड्स बताएं जिन पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं वो आज शाम किस एनर्जी में है ब्रोके हर्ट इनडिस इनडिसन हीलर्स ऑफ द एजेस सी हाउ ब्यूटिफुल हैप्पी फैमिली एंड टेन ऑफ कप्स देखो दोनों कार्ड कर आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द डोर टू वैल्यू ओके कैन यू सी द डोर टू वैल्यू वाओ आई बिलीव अच्छा देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि अगर ना आप लाइक कोई साइंग ढूंढ रहे हो yes, अगर आप कोई साइंग ढूंढ रहे हो आपने कुछ भगवान से प्रे करा है ऐसा कि भगवान मुझे कोई किसी तरीके का सिग्नल बताओ कि वाक्य में वो पर्सन मेरी जिंदगी में वापस आएगा या नहीं चीजें होंगी आगे आगे मीनिंग में बताती हूँ तो सबसे पहले तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना उसकी जो जोरिया साइंस है वो है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर स्कॉर्पिनियस या फिर ओके okay, एरीज लेवन से जटेरियस ऑलमोस्ट so, सारे ही जोरियक साइंस आज ना इस रीडिंग के अंदर है ठीक है सारे ही जोरियक साइंस हैं ठीक है एंड ओके सर जो मुझे आज शाम को आपके पर्सन की लाइक like, फीलिंग दिख रही है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपसे उनकी ना बात करने का मन कर रहा वो बहुत ज़्यादा जैसे ना आपकी आवाज़ सुनने को तड़प रहे हैं या फिर आपके लो आप लो कि वो आपसे मिलने को तड़प रहे हैं एक वो चीज़ ना बहुत ज्यादा उन्हें अपसेट कर रही है कि जैसे अब सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बन चुकी है ना कि जब चाहे आप लोग बात नहीं कर सकते हो जब चाहे चीजें मतलब वैसी नहीं हो रही हैं जैसे कहीं पहले थी पास्ट में थी राइट तो आपके पर्सन ना एकदम ऐसी एनर्जी में है जहां पर उनकी हाथ में कुछ भी नहीं रहा है ठीक है चीजें उनके हाथ से ना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और वो वो खुद इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अगर आज आपके पोर्सन की आज शाम की एनर्जी देखे ना तो ही वॉज़ लाइक ही और शी इज लाइक ब्रोकन हर्ट ठीक है एक वो होता है ना एनर्जी जहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यार उनका दिल बहुत भारी पर होना गिल्ट की एनर्जी आना जैसे दिल टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे यार आ, वो उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जिस दर्द को कभी उन्होंने आपको दिया था यू you नो know, उन्होंने आपको बहुत तड़पाया है बहुत रुलाया है परेशान करा है ठीक है और आज ना उस चीज के लिए वो महसूस कर रहे हैं इस चीज को कि उन्होंने ये सब कुछ ना बहुत गलत करा ठीक है उनको जैसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था आपके पर्सन आज शाम को ही आपके साथ एक फ्यूचर सोचते हुए से नजर आ रहे हैं यहाँ पर हैप्पी फैमिली का, का कार्ड भी है यानी आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं वो इमेजिन करते हैं कि कैसे वो आपसे शादी करना चाहते हैं कैसे आपके बच्चे होंगे या फिर कैसे आप कहाँ घूमने जाओगे कितने कैसे आप लोगों के बीच में और प्यार बढ़ेगा और रोमांस बढ़ेगा तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन ना सोचते हुए से नजर आ रहे हैं एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी वो ना फील करना चाह रहे हैं आपके साथ यहाँ पर भी ये कार्ड है और यहाँ पर देख लीजिए तो टेन ऑफ कप्स की भी यही एनर्जी उठ कर आई है इन दोनों ही कार्ड्स में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे वो बहुत स्ट्रांगली ना आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, कि किसी तरीके से एक स्टेबल फ्यूचर मेंटेन हो सके हाँ वो इस वक्त जरूर मैं कहूंगी कि इन इनडिसाइसिव हो रखे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं ठीक है उनको कोई स्टेप लेने के बारे में ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या है तभी आपको कोई स्टेप उनका दिखता नहीं क्योंकि वो ना अभी अपने माइंड से ही क्लियर नहीं है कि उनको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए वो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आप लोगों की लाइफ में हुई है ना आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना इस नो no कॉन्टेक्ट की वजह से आपकी वैल्यू आपकी अहमियत को समझ सके हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने जरूरी हो ठीक है आपको महसूस करना अपने पास आपको अपने पास आ, मतलब कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं हमेशा के लिए दुनिया भर हमेशा पूरी जिंदगी के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यार बस ये ना मेरे पास ही होनी चाहिए ठीक है एक ना वो ऐसी फीलिंग उनके दिल में आती हुई सी नजर आ रही है मुझे यहाँ पर भी देखू तो सिक्स ऑफ कप्स की ये एनर्जी आ रही है जैसे आपके पर्सन ना आपकी जिंदगी में वापस री लेना चाहते हैं आपकी जिंदगी में वापस से ना आना चाहते हैं लेकिन वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे अब चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं ठीक है वो खुद उनके खुद के कारण ये चीजें एकदम बर्बाद सी कर चुके हैं वो ठीक है ऐसी उनकी एनर्जी है लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान से प्रे भी करते रहते हैं देखो द हीलर ऑफ द एजेस इनसे आप प्रे कर सकते हो हील कर रहे हैं ये आपके रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं ये ना आपकी आ, आपके आपके अंदर के इमोशंस को आपके पर्सन के इमोशंस को ठीक है ये हीलिंग लेकर आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए तो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड और यही वो साइंग है अगर आप कुछ ऐसा मैंने कहा ना इन द वीडियो ऑल्सो कि अगर आप कुछ ऐसा साइंग ढूंढ रहे हो कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप वापस फ्लरिश करेगा नहीं ग्रोथ होगी या नहीं रोमांस वापस आएगा या नहीं चीजें इंप्रूव होंगी या नहीं तो दिस इज अ साइंग ये सब होगा क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है ठीक है दिस इज दिलिंग टाइम पीरियड जो आपके रिलेशनशिप में ना लाइक like, चल रहा है बढ़ रहा है ठीक है यहाँ पर भी अगर देखूँ तो आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं वो इस इमेजिनेशन में है अभी ना वो बहुत ऑफ कोर्स इमेजिनेशन वर्ड मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ना आपको अपने पास इमेजिन करते रहते हैं महसूस करते रहते हैं आपके आपको देखना आपकी फ़ोटो को देखना उससे बातें करना या इस तरीके की एनर्जीज को वो ना फील कर रहे हैं अच्छा यहां मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आज शाम को ना आपके पर्सन किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं उनको ना ये भी महसूस होता जा रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए हो उनको इस चीज का डर है अपने दिल में कि कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं गए हो या आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो क्योंकि जब वो ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए यू नो वो एक ना फैसले पर आना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल वो फैसले पर आ नहीं पा रहे हैं ठीक है और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन आपकी ही अहमियत को आपकी वैल्यू को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज टुडे आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग और एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस जो आज हमें मिले हैं आई होप सो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे दिस इज ऑल फॉर टुडे इज ईवनिंग Thank you so much. Bye bye. And take care.